प्लॉट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। ये रिकॉर्डिंग वाला आपका अभी शुरू है तो मैं फिर से बोलूं क्या? हेलो ठीक है मैडम, आप अभी जो पार्ट किया ना वो फिर से एक बार कर दीजिए। ठीक है, ठीक। तो ये सॉइल सोलराइजेशन में उन्होंने बताया कि आपका जब नया ऑर्चर्ड लगाते हैं तो बिना उसको ट्रीटमेंट करे मत लगाइए, उसमें सॉइल सोलराइजेशन करिए 6 हफ्ते के लिए, जब सबसे ज्यादा गर्म मौसम होता है मार्च और अप्रैल में। 6 हफ्ते में 2 हफ्ते में जितने भी रोग हैं, कीड़े हैं और सब मर जाते हैं, वीड भी मर जाता है। आप देखेंगे जब ये करेंगे तो आपका इसमें वीड का पॉपुलेशन भी बहुत कम आता है। और उसके अलावा जो आपका ये होता है बायो एजेंट्स जो मार्केट से आप खरीदते हैं, काली ये एस्पर्जिलस नाइजर हुआ, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसिलस, बहुत सारे जो मार्केट में खरीदते हैं, उससे ज्यादा जैविक जो बायो एजेंट होते हैं इस मिट्टी में होते हैं, जिनकी जनसंख्या ये 2 हफ्ते में बीमारी मारता है। 2 हफ्ते के जो 4 हफ्ते बाद वाले हैं उसमें इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया वगैरह भी बहुत बढ़ते हैं और उसके एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बढ़ते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होती है और बीमारियां भी जो मर रोग वगैरह जैसी बीमारियां हैं, निमेटोड है, वो उसमें नहीं होता। पर इसको करने के बाद आपको ये निश्चित करना है जो पौधा आप लगा रहे हो, प्लांटिंग मटेरियल जो आप लगा रहे हैं, उस प्लांटिंग मटेरियल में ये बीमारियां आनी नहीं चाहिए जब प्लांटिंग मटेरियल के साथ। तो अगर आपका वो बीमारी रहित है तो निश्चित ही आपके आपका ऑर्चर्ड ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये काम मैंने अपने यहाँ पे एक ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड था जिसमें कि मर रोग चल रहा था, उस पूरे ऑर्चर्ड को निकालने के बाद, वो हमने ये काम करने के बाद ऑर्चर्ड जो लगाया है तो उसमें अभी 7 साल हो गए हैं, आज भी मर रोग उसमें नहीं आया। तो ये बहुत ही एक अच्छी उपयोगी टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। जो लोग सॉइल सोलराइजेशन नहीं करना चाहते क्योंकि वो सिर्फ आप मार्च अप्रैल जो भी आपके एरिया में सबसे ज्यादा गर्म मौसम होता है उसमें आपको करना है, बारिश से पहले, बारिश शुरू हो गई तो इसका आपको वो नहीं होगा। बाकी सीजन में टेम्परेचर जब कम होता है तो 6 की जगह आपको 8 या 10 हफ्ते करना पड़ता है। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो पूरे ऑर्चर्ड में आप फॉर्मल्डिहाइड 50 मिली प्रति लीटर के हिसाब से जब ड्रेंचिंग कर देते हैं और उसको किसी भी पॉलीथीन से आप ढक दीजिए, पॉलीथीन चाहे उसमें कोई भी हो सकता है, यूज्ड पॉलीथीन हो, काला पॉलीथीन हो, व्हाइट हो, कुछ भी हो, बस आपको उसको ढकना है ताकि जो उसकी गैस बनती है वो गैस अंदर अंदर ही सारे जीवाणु को मार देती, उसमें पर आपकी बीमारी भी मरेगी, आपके कीड़े भी मरेंगे, पर साथ में आपके उसमें जैविक भी मर जाएंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जैविक भी मर जाएंगे, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये करते हैं तो सब कुछ मरता है, बाद में फिर से डेवलप होता है जब आप गोबर खाद या जैविक वगैरह डालते हैं और सॉइल सोलराइजेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, एक तो है कई लोगों ने पोंग्रेंट ऑर्चर निकाल के लगाया तो ये प्रॉब्लम विल्ट का बढ़ा। दूसरा, ये देखने में हमारे सर्वे में आया है कि जहां पर बाउंड्री पर यूकलिप्टस प्लांटिंग है या जहां पे यूकलिप्टस का ऑर्चर्ड था, कई लोग यूकलिप्टस लगाते हैं, यूकलिप्टस निकाल के जहां पे ये लगाया गया है तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता है, इस क्योंकि ये जो सेरेटोसिस्टिस मर रोग है ये यूकलिप्टस में भी आता है। इसलिए अगर आपके आसपास में यूकलिप्टस है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि वहां से ये रोग आपके उसमें नहीं आना चाहिए। दूसरा ये है कि बारिश को देखते हुए कि मौसम किस तरीके से चेंज हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, आपको रेज बेड प्लांटिंग पे जाना चाहिए। और रेज बेड प्लांटिंग का ये जो डिस्टेंस वगैरह आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, जो कि बताया गया है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपको कम से कम 10 फीट और प्लांट ये रो टू रो डिस्टेंस 15 फीट का लेना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और रेज बेड पे प्लांटिंग करेंगे तो आपको मर रोग जैसी प्रॉब्लम्स कम आएंगी क्योंकि इसमें एरेशन बहुत अच्छा होता है। फिर अगर मर रोग आ चुका आपके ऑर्चर्ड में है तो जैसे ही आपको पहला सिम्टम दिखता है, ये आप देखिए पीले रंग के इस स्टेज में, इसी स्टेप आप फार्मर क्या करता है, इस टाइम सोचता है न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, कुछ ध्यान नहीं देते। इसी स्टेज में आपको देखना है कि क्या इसके रूट्स, जिस साइड का ये ब्रांच पीला हुआ है इसके रूट्स में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है निमेटोड हो सकता है ये मर रोग हो। मर रोग में जब आप निकाल के देखेंगे तो उसमें अंदर विल्टिंग दिखता है, भूरा काला दिखता है, उसको सूंघेंगे तो उसमें एक खुशबू आती है,
तो वो आपको पता चलता है कि इसमें रोग है कि शॉर्ट होल बोरर है, वो आपको देखेंगे खोल के तब पता चलता है। तो इसी स्टेज पे अगर आपको पता चल गया कि रोग है और आप ब्रेंचिंग ले लेंगे तो आगे ये प्रॉब्लम बढ़ता नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान ये नहीं सोचना है कि 10-15 पौधे मरेंगे तब सोचेंगे, जैसे ही आपको शुरुआत दिखे उसी समय अगर आप काम करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। और ये कई फार्मर्स का फीडबैक आया है कि हाँ हमने टाइम से लिया और हमारा आगे का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसमें आपको ड्रेंचिंग करना है प्रोपिकोनाजोल का 2 मिली प्रति लीटर और क्लोरपाइरीफॉस, या फिर जैसे अभी एबामेक्टिन का बता है, ये शॉर्ट होल बोरर के लिए क्लोरपाइरीफॉस भी काम करता है और एबामेक्टिन भी काम करता है, तो दोनों में से कोई भी आप लेंगे तो दोनों के लिए ये काम आएगा, प्रोपिकोनाजोल और क्लोरपाइरीफॉस या एबामेक्टिन। 10 लीटर सोल्यूशन एक जगह के लिए चाहिए होता है और 2 मिली प्रति लीटर ये लेना है प्रोपिकोनाजोल, 2 क्लोरपाइरीफॉस। इसमें आप एक तो ये करेंगे पहला ड्रेंचिंग, दूसरा ड्रेंचिंग आपको क्या डालना है, काली सेना जो हम लोग एस्परजिलस नाइजर AN27 जो अभी पीछे मीटिंग हुई थी डायरेक्ट वहाँ पुणे में, उसमें भी कई लोगों ने फीडबैक दिया है कि इसका काली सेना का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है उन लोगों को। तो ये काली सेना हम लोग जब पौधे लगाते हैं उसी टाइम से डालना है, और इसको जो डालना है हर 6 महीने में एक बारी डालना है। तो काली सेना जो है एक तो है 1 एकड़ में 1 किलो का पड़ता है, और नहीं तो आप 3 से 5 ग्राम प्रति पौधा डालेंगे, और उसके साथ जोश भी मिलाना है, जोश एक माइकोरिजाइन दोनों का एक साथ यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो एक ड्रेंचिंग केमिकल की करके आप दो बाद में 2 बारी ये बायोलॉजिकल जो है काली सेना जोश वगैरह डालना है। अगर आपको काली सेना जोश नहीं मिल रहा या नहीं डालना चाहते तो आप 3 ड्रेंचिंग करेंगे केमिकल वाली 20-20 दिन के इंटरवल पे, प्रोपिकोनाजोल क्लोरपाइरीफॉस या एबामेक्टिन का। तीसरा ड्रेंचिंग आपको जो करना है, मतलब करना नहीं, मतलब तीनों में से एक मेथड लेना है, तो एक और तरीका है फॉसिटाइल एल्यूमिनियम का ड्रेंचिंग और टेबिकोनाजोल का ड्रेंचिंग। तो पहला ड्रेंचिंग फॉसिटाइल का करना है 6 ग्राम प्रति पौधा, उसको 10 लीटर पानी में मिलाना है। दूसरा ड्रेंचिंग फिर टेबिकोनाजोल डालना है, 3 मिली प्रति प्लांट लेना है 10 लीटर पानी में, और फिर तीसरा ड्रेंचिंग फिर से फॉसिटाइल, और फिर से चौथा ड्रेंचिंग टेबिकोनाजोल 15-15 दिन के इंटरवल पे। तो इन तीनों में से एक भी मेथड आप यूज करेंगे तो आपका आगे रोग बढ़ेगा नहीं, और आगे फिर आप अच्छी तरह से उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आपके ये पौधे ज्यादा जगह पे प्रॉब्लम आ चुकी है, मतलब एक पौधे की जगह पूरे ऑर्चर्ड में 15-20 जगह पे 2-2, 4-4 पौधे खराब हुए हैं, तो जो पूरा पौधा मर गया है उसका ड्रेंचिंग अलग होता है, जहां पे ये शुरुआत हुई है वो, और जो अच्छे पौधे हैं उसमें सारी जगह एक ड्रेंचिंग कम से कम आपको प्रोपिकोनाजोल वाला या जो हमने बताया है एक ड्रेंचिंग प्रोपिकोनाजोल का, और बाद में काली सेना जोश वगैरह डालना है, और उसके बाद जो पौधे मरे हैं उनका ट्रीटमेंट आपको अलग करना है। ड्रेंचिंग का तरीका ये होना चाहिए, कई लोग ड्रेंचिंग ड्रिपर से कर देते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका ड्रेंचिंग का आपको इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड ड्रेंचिंग करना है, उसका तरीका ये है। तो फॉर्मल्डिहाइड ड्रेंचिंग जहां जहां पौधा मर चुका है नया पौधा लगाना है, उससे पहले आप प्लॉट में आप फॉर्मल्डिहाइड का ड्रेंचिंग कर सकते हैं, और जहां पे लाइन में पौधे मर चुके हैं वहां पे जब मैंने सॉइल सोलराइजेशन बताया है उसके हिसाब से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये आप देखिए फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट इस ऑर्चर्ड में जो हमने ये किया था इसी के पौधे हैं ये, और बाद में भी ये पौधे मरे नहीं थे, काफी सालों तक इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता अगर आप आगे उनको मेंटेन करते हैं। तो ये ड्रेंचिंग का पूरा प्रोटोकॉल मैंने बताया है कि किस तरीके से आपने क्या क्या करना है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी यहाँ पे, ये आपको यहाँ से दिख रहा है। फिर निमेटोड का प्रॉब्लम, निमेटोड का प्रॉब्लम है तो उसमें जो जैविक है आपको एस्परजिलस नाइजर जो है इसके बहुत सारे काम है, मर रोग भी रोकता है, निमेटोड भी रोकता है, फिर आपका जो पेसिलोमाइसिस है ये भी बहुत इफेक्टिव है, ट्राइकोडर्मा भी इफेक्टिव है, पर क्वालिटी कैसी खरीद रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको क्रॉप सीजन में देखना है कि क्रॉप सीजन में आपको क्या क्या डालना है, अगर निमेटोड आ गया है तो आपको गांठें नजर आ रही हैं, तो ये 2 केमिकल जो रिसेंटली अभी न्यू केमिकल्स हैं हमारे यहाँ पे भी इसका टेस्टिंग हुआ है, निमिट्स का टेस्टिंग हुआ है हमारे यहाँ पे, और वेलम प्राइम का भी साइंटिस्ट ने ट्रायल लिया है, तो इनका रिजल्ट अच्छा है। आप इनका जो एप्लीकेशन है 40 ग्राम एक पौधे में पड़ता है, हर एक ड्रिपर के नीचे, पौधा कितनी एज का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप उसको अगर छोटा पौधा है तो क्वांटिटी आपका 15 से 20 ग्राम ही पड़ेगा, अगर फुल ग्रोन पौधा है तो 40 ग्राम पड़ेगा। हर ड्रिपर के नीचे 10-10 ग्राम 6 इंच नीचे मिट्टी हटा के डालना है,
और उसके बाद उसके ऊपर पानी पड़ता रहेगा, सीजन में सिर्फ एक बार ही डालना है जब आप बाहर पकड़ेंगे तब। इसी तरह से ये फ्लियोपायरम है, वेलम प्राइम के नाम से मिलता है, 2 मिली प्रति प्लांट ही पड़ता है ये, और इसको भी आपको पानी अच्छी तरह से देना है और फिर 2 मिली प्रति प्लांट ये डालना है और फिर इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलता है। ड्रेंचिंग का एक चीज आपको सबको ये करना है कि ड्रेंचिंग जिस दिन करना है उससे पहले आपको एक दो दिन अच्छी तरह से पानी दे देना है, जिस दिन अगले दिन ड्रेंचिंग करना है, और उसके बाद भी 2 या 3 दिन तक इरिगेशन नहीं करना, तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसके अलावा ये मैं बता चुकी हूँ कि ये सारी चीजें जो आपको अच्छा रिजल्ट देती हैं, आप देख सकते हैं हमारी ट्रायल में कि इनका रिजल्ट निमेटोड के लिए भी अच्छा था। दूसरा, फिर कई फार्मर्स पहले 2 सालों में कई इंटरक्रॉप्स लेते हैं। ये जो इंटरक्रॉप्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें निमेटोड का पॉपुलेशन बढ़ाती हैं, इसलिए हम लोग मना करते हैं कि ये वाले इंटरक्रॉप नहीं लेने हैं, नहीं तो आपको शुरू से ही निमेटोड का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इंटरक्रॉप अगर आपको लेना है उसमें से सबसे अच्छा आपको ये जो होता है ढैंचा वगैरह है, ये सबसे अच्छा होता है, नहीं तो आप मेज का भी, मक्का भी लगा सकते हैं। मक्का का फायदा ये भी है कि ये थ्रिप्स वगैरह के लिए भी कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये आपका थ्रिप्स को रोकता है। तो आप ये जो वीट है, बाजरा, सॉर्गम, ये सारी चीजें इंटरक्रॉप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा काम करता है आपका ये पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा, जो कि अफ्रीकन मैरी गोल्ड ग्रुप है, इसकी वैरायटीज है। अफ्रीकन मैरी गोल्ड की कोई और भी वैरायटी आपको मिलती है, आप उसका इस्तेमाल अगर करेंगे 2 पौधों के बीच में, तो निमेटोड का पॉपुलेशन ये ट्रैप कर लेते हैं और आगे वो निमेटोड उधर बढ़ने नहीं देते, फिर आप इनको कंट्रोल में अच्छी तरह से ला सकते हैं। तो निमेटोड को और फंगस को, दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपको जो ट्रीटमेंट्स बताए गए अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। पिछली बार बारिश के चक्कर में और बारिश के दिनों में देखा गया है कि स्कैब का प्रॉब्लम 5-6 साल से बढ़ रहा है, पर जब ये आपका किसी भी स्टेज में फूल निकल रहा है या फल लगा है, कोई भी स्टेज हो, तो ये प्रॉब्लम से आपका पूरे फल का क्वालिटी खराब होता है। अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं जाता, पर ऊपर ऊपर इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, और नीचे अगर शुरू में अटैक हो गया तो फार्मर का सारा लॉस हो जाता है। तो इसका भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा अटैक इसका दिखता रहा है। आप लगभग इसका जो प्रतिशत है, कई बार 50-50% तक भी पहुंचा है। तो इसको भी बारिश के दिनों में ही ज्यादा प्रॉब्लम आता है कंट्रोल करना। आपको पता है आपके बागों में ये प्रॉब्लम है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको प्रिवेंटिव स्पेस से शुरू करना पड़ता है। इसी तरह से रॉटिंग का भी, लास्ट टाइम आपको काफी प्रॉब्लम आया है, 20-25% तक रॉटिंग हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से फार्मर्स को स्प्रे करने का समय नहीं मिल पाया। एक तो रॉटिंग ये है जो पाखड़ी कुजवा भी कई लोग बोलते हैं, और एक रॉटिंग ये है जिसका कि इन्फेक्शन आपको फूल निकलने के टाइम अंदर चला जाता है, और बाद में जब ये आप हार्वेस्टिंग करते हैं, स्टोरेज में रखते हैं या मार्केट में जाता है, तो ये अंदर से आपका खराब दिखता है। लास्ट 2 सालों में कई एक्सपोर्टर्स को ये प्रॉब्लम आया है, उनका कंसाइनमेंट वापस हुआ है इंटरनल हार्ट रॉट की वजह से, जिसका एंट्री पॉइंट है फ्लावरिंग के टाइम ही होता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो हमको रॉटिंग के लिए, फल कुछ के लिए स्प्रे लेना है, वो हमें देखना नहीं है कि जब स्प्रे आएगा, जब बीमारी आएगी, हमें शुरू से जब बाहर पकड़ते हैं उसी समय से हमें फूड स्पॉट्स के लिए जो धब्बे पड़ते हैं और या फिर फल कुछ है उनके स्प्रेज लेते हैं। हमारी जो टेस्टिंग के हिसाब से हम लोग ने ये 13 केमिकल्स की लिस्ट है हमारे, आपको वेबसाइट में भी, एडवाइजरीज में, हमने अभी कई जगह न्यूज़पेपर में हर 2 महीने में एडवाइजरीज भेजते हैं हम लोग, तो उसमें ये सारी चीजें केमिकल्स की लिस्ट है। आप इनके हिसाब से अगर स्प्रे लेते हैं, कोई भी स्प्रे सीजन में 2 बारी से ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो वो रेसिड्यू आता है। और जो स्प्रे हमने एक एडहॉक लिस्ट ऑफ केमिकल्स है जिसमें लिखा है कौन सा केमिकल पहले बंद करना है, तो जो केमिकल जैसे मैंडीप्रोकोमिड है, कार्बेंडेजिम वगैरह होते हैं, उनको पहले बंद करना है, तो इसीलिए हमें पहले से उनको स्प्रे लेना है। जो केमिकल का जो रेसिड्यू एनालिसिस हम करते हैं, PHI प्री हार्वेस्ट इंटरवल 60 दिन है, उनको बाद में लेना है। जिनका 100 या उससे ज्यादा दिन है वो शुरू में लेना है। फूल निकलने के समय में 2 या 3 स्प्रे जरूर लेने हैं, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया ये तभी अवॉइड होगा अगर आप फूल निकलने के समय 2-3 स्प्रेस करेंगे। कई फार्मर्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो मधुमक्खी की वजह से, पर ज्यादातर फंजीसाइड्स मधुमक्खी का प्रॉब्लम नहीं करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स कुछ करते हैं, जो कि आपको मल्लिकार्जुन जी आपका बताएंगे कौन कौन से इंसेक्टिसाइड फूल निकलने के समय आपको नहीं करने चाहिए,
और जो भी स्प्रे आप करते हैं ज्यादातर कोशिश करिए कि शाम के वक्त करिए। अगर बारिश का मौसम बन रहा है तब आप दिन में कर लीजिए, मतलब उसमें भी बारिश होने के बाद करेंगे स्प्रे तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। लास्ट ईयर कई फार्मर्स का यही प्रॉब्लम था कि शाम को बारिश देखा कि आने वाला है, सुबह स्प्रे कर देते हैं, उस टाइम नहीं करना है। जब बारिश खत्म हो गया तो बारिश खत्म होने के बाद का स्प्रे का रिजल्ट ज्यादा अच्छा। और जिन फार्मर्स ने ये काम किया कि जो ये शेड्यूल मैंने आपको बताया ये केमिकल्स का, जिन फार्मर्स ने बारिश आने के बाद इनमें से स्प्रे लिए हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उन्होंने अच्छी तरह से उसको कंट्रोल करके हार्वेस्टिंग कर सके हैं। दूसरा, ये जो कोलेक्टोट्राइकम रॉट में जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रेज आप लीजिए और बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो डायफेनकोनाजोल भी अच्छा काम करता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में कसुगा माइसिन करके केमिकल कोनिका का आया, धानुका का, वो भी अच्छा काम कर रहा है। और ये कैब्रीटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका जो ये स्कैब है, जो खरडा भी कई लोग बोलते हैं, तो ये जो खरडा स्कैब आपका है और बाकी रॉड के लिए भी इसका अच्छा रिजल्ट है, तो इसका भी इस्तेमाल आपको जरूर करना है जब भी आपको बारिश का मौसम नजर आता है। उसके अलावा क्लोरोथेनोनिल, ये सारे केमिकल्स बहुत अच्छा रॉटिंग के लिए भी रिजल्ट देते हैं। सेकेंडली क्या करना है कि जब आपको स्प्रे करना है तो अगर फल कुछ आया है, कई फार्मर्स क्या करते हैं स्प्रे करने के वक्त फल कुछ वहीं रहने देते हैं। अगर आपको पता है चाहे फल कुछ है, चाहे आपका कोई ऐसे चीज है जो आपको पता है कि उसको अभी आपको पूरा हार्वेस्टिंग तक लेने का मतलब नहीं है, तेलकट दाग रोग है, उस टाइम आपको ऐसी चीज फ्रूट्स को निकाल देना है, निकाल के उसको डंप नहीं करना है, कहीं फेंकना नहीं है, उनको आपको मिट्टी में गाड़ देना है। मिट्टी में डाल के उसके ऊपर से आपको ये गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, वो वहीं पे सड़ जाएंगे मिट्टी में। तो आपको उनको कहीं पे भी डंप करके नहीं रखना है, चाहे वो मर रोग हो, मर रोग का भी मैंने बोला था 5-5 साल तक जिंदा रहता है। तो अगर जो भी ट्री आप निकालते हैं उस ट्री को आपको रखना नहीं है, उसको जलाना है, उसको मिट्टी में भी नहीं गाड़ना है, क्योंकि 5 साल तक मैंने बताया वो जिंदा रह सकता है। और ये जो फल कुछ वगैरह है इनको आप मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं, और अगर आपका ज्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो जला सकते हैं, नहीं तो मिट्टी में आप इनको गाड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि पीएच का सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है आपका स्प्रे का, उसका पीएच का ध्यान देना है। और 2-3 स्प्रे आपको मैंने बोला कि फूल निकलने के टाइम जरूर देने हैं, और हर केमिकल का सीजन में 2 या 3 स्प्रे से ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो रेसिड्यू आ जाएगा। और आपको जब भी बारिश का मौसम दिख रहा है तो स्प्रे बारिश के बाद वाला बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बारिश आपका बीमारी फैलाता है, और अगर आप 24 घंटे के अंदर स्प्रे ले लेते हैं तो जो फैलाव हुआ है बीमारी का वो वहीं पे मर जाता है आपके पौधों में बीमारी दिखने से पहले। तो आपको ये चीजें फल कुछ फूड स्पॉट वगैरह के लिए ध्यान देना है। बैक्टीरियल ब्लाइट तेलकट दाग का आज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मेजर प्रॉब्लम है तो ये फार्मर्स का क्रिएटेड प्रॉब्लम है, ये आप बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि प्लांटिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो कि आप इसीलिए टिश्यू कल्चर प्लांट भी हमने प्रमोट किया था, क्योंकि टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल में ये बीमारी आप साथ लेकर नहीं जाएंगे। पर अगर आपने इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल बना दिया इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड में से, तो उसमें से हमने देखा है बारिश के बाद जो प्लांटिंग मटेरियल निकलता है 60% तक उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट आ जाता है प्लांटिंग मटेरियल में। और ये चीज हमने एक जगह नहीं, बहुत सालों से और बहुत बारी देखा है कि इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल जो है सबसे बड़ा नुकसान करता है। और जिन फार्मर्स का ये ऑर्चर्ड बहुत ज्यादा नुकसान करने लगता है वो लोग प्लांटिंग मटेरियल बना के बेच देते हैं और अपना ऑर्चर्ड उखाड़ देते हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट को ये चीजें थोड़ा ध्यान देना होगा कि इस तरीके के लोग प्लांटिंग मटेरियल ना बेचें। न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है, जिस तरीके से इंसान में कमियां होती हैं तब बीमारियां ज्यादा आती हैं, उसी तरह से पौधों में भी अगर किसी चीज की कमी होती है तो बीमारियां ज्यादा आती हैं, जिसमें कि बैक्टीरियल ब्लाइट में भी और बाकी विल्ट वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपकी कमी है तभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम आता है। और स्प्रेज हम लोगों ने जो इसके बताए हैं हमारे पूरे शेड्यूल में है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अभी आगे बैन हो गया, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, 2024 से ये बैन हो जाएगा।
स्प्रे नहीं कर सकते, पर ये जो ब्रोनोपोल है, 2-bromo-2-nitropropane diol और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को आप समय से लेते हैं तो इससे आपका पूरा कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा 4 स्प्रे सैलिसिलिक एसिड के, 4 स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट के, 1-1 महीने के अंतर पे फूल निकलने से पहले आप लेंगे तो आपको ये डिजीज ज्यादा नहीं आती है, इससे रेजिस्टेंस बिल्डअप होता है। इमरजेंसी में ये जो स्प्रेज हम बताते हैं, अगर जब नींबू साइड का फल होता है और बारिश आ गई तो आपको अचानक बहुत ज्यादा अटैक होता है, उस समय आप क्या करेंगे, इन्फेक्टेड फलों को निकाल के एक स्प्रे ये लेंगे जिसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, स्टेप्टोसाइक्लिन, ब्रोनोपोल का स्प्रे लेते हैं स्प्रेडर स्टिकर डाल के, और 4 दिन के बाद दूसरा स्प्रे अगर जरूरत हो तो। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इस साल भी कई अटपाड़ी के फार्मर्स भी थे, उनका भी फोन आया कि हमने ये किया और हमें रिजल्ट मिला, और ये हम कई कम से कम 7-8 साल से ये डिफरेंट स्टेट्स में लोग कर रहे हैं और इसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। रेस्ट पीरियड में लोग नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको बोनो मिक्सर का 1% का स्प्रे लेना है, या और महीने में 1 बारी ब्रोनोपोल या कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे लेंगे तो आपका आगे तेलकट दाग का प्रॉब्लम बढ़ता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो मैं बता चुकी हूँ कि स्प्रे में ध्यान देनी है। उसके अलावा एक चीज ये है कि मार्केट में जो ब्रांड मिलता है उसको आपको देखना है कि उसमें केमिकल कितना प्रतिशत है। इस साल कई फार्मर्स ने पहले बोला हमें कंट्रोल नहीं मिल रहा, जब मैंने उनसे पैकेट मंगाए तो पता चला वो 27% वाले को भी 0.5 ग्राम डाल रहे हैं, जबकि 27% वाले को 1.8 ग्राम प्रति लीटर इस्तेमाल करना चाहिए था। उनको जब ये बताया गया तो उन्होंने एक स्प्रे के बाद ही बोला कि मैडम हमारा तेलकट दाग कंट्रोल में आ गया है। इसी तरीके से जब ये 95-97% है तो 0.5 ग्राम पड़ता है। अब स्टेप्टोसाइक्लिन क्योंकि आगे बैन होने जा रहा है तो इस पे मैं ज्यादा एम्फेसिस नहीं दे रही हूँ। इसमें भी यही दिक्कत आती थी कि मार्केट में 10% जो मिलता था लोग उसको भी 0.5 ग्राम डालते थे, जबकि उसको 5 ग्राम डालना पड़ता है, और अगर आपका 100% है तो 0.5 ग्राम डालना पड़ता है। जो लोग रोज रोज स्प्रे करते हैं, कभी इंसेक्टिसाइड, कभी फंगीसाइड, कभी न्यूट्रिएंट का, तो उन लोगों का ये प्रॉब्लम आता है और तेलकट बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी आप स्प्रे ज्यादा करोगे जिससे बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल नहीं होता है, वो आपके उसको बारिश का काम करता है और रोग बढ़ा देता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया है, जिसमें कि न्यूट्रिशन से लेके आपको बायो फॉर्मुलेशन, एस्परजिलस, नाइजर वगैरह, जो ग्लोम, कालीसेना और जोश डालने का है, नाइट्रोजन का डोज आपको जब लेमन साइज का फ्रूट साइज होता है तब डालना है, और पूरा हमारा स्प्रे शेड्यूल, न्यूट्रिएंट शेड्यूल आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट पे, सैलिसिलिक एसिड के, माइक्रोन्यूट्रिएंट के 4 स्प्रे, और 7-10 दिन के इंटरवल पे स्प्रे लेना है, बारिश के दिनों में 7 दिन और बाकी दिनों में 10 दिन पे, तो आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस दिन तेलकट का स्प्रे करना है उसी दिन आपको बुरशीनाशक, कीटकनाशक का स्प्रे लेना है। मिक्स होता है तो साथ में, नहीं होता है तो सुबह के टाइम, पर आपको हर दिन स्प्रे नहीं करना। अगर हर दिन स्प्रे करेंगे तो ये हालत आपके पौधों की हो जाती है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमने जो सबसे पहला ऑर्चर्ड लिया था, जिन फार्मर का 3-4 साल से तेलकट दाग का प्रॉब्लम था, ये 2008 का ऑर्चर्ड है यहाँ हीरज एरिया में, और उनका हम लोग ने 82% बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करके पहले साल में ही दिखा दिया था। तो ये सब एस्परजिलस नाइजर का 1-2 फायदे और बता देती हूँ कि हर इसकी सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, जो कि किसी भी बायोफॉर्मुलेशन में आपको नहीं मिलेगी। ये आपको हर तरीके की कंडीशन में, पीएच ज्यादा है, कम है, पानी कम है, ज्यादा है, हर कंडीशन में ये काम करता है। ऊपर से ये फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर का भी काम करता है, निमेटोड को कंट्रोल करता है, बहुत सारे बुरशी को कंट्रोल करता है जो मिट्टी में पड़े होते हैं, एसिड पीएच एसिडिक हो या अल्कलाइन सॉइल हो, और हर कंडीशन में ये काम करेगा। टेम्परेचर भी कितना भी ऊपर तक चला जाता है, सॉइल का 43 के ऊपर जाता नहीं है, तो ये वहां पे भी काम बहुत अच्छा करता है। ऊपर से ये ग्रोथ हार्मोन निकालता है, रेजिस्टेंस बिल्डिंग केमिकल्स निकालता है, तो ये बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है, और ये रेजिस्टेंस बिल्डअप का भी काम करता है। ये सिर्फ तेलकट के लिए नहीं, आपके बाकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के बाग हमने लिए थे, जिसको कि हमने आपके ये जो शेड्यूल बताया उसके हिसाब से पूरा कंट्रोल किया। इस तरीके के कैंकर के बावजूद भी आप इसको अच्छी तरह से कंट्रोल करके, आप ये देख सकते हैं हमने इसमें 16 टन माल लिया था और इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट 82% कंट्रोल हो गया था। यही शेड्यूल के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग दिया था, जो हमने पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दूसरे लोगों के साथ मिलकर किया है। और आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा तेलकट होने के बाद भी जब हमने पहले साल में कितना कम हुआ और फिर दूसरे साल में और भी कम हो गया, तो निश्चित ही आप इसको 100% तक कम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनको सब लोग आप जानते ही हैं। अंकुश जी हैं जिनको काफी एक्टिव हैं फार्मर्स की प्रॉब्लम पहुंचाने में ऊपर तक,
तो इनका भी ऑर्चर्ड हमने तेलकट से गया था और इनके ऑर्चर्ड में भी हमने तेलकट 2009-10 में ही कंट्रोल करके दिखाया था। अभी हमने एक नया तरीका निकाला है जिसका कि खर्चा भी नहीं है और ये आपको रेस्ट पीरियड में करना है। इस रेस्ट पीरियड में आपको ये जैसे तेलकट का है सब निकाल के प्रूनिंग छाटनी करना है, डिटेल्ड आपको इसका हमने वीडियो बनाया है, ये वीडियो भी हम अभी आपका इसी हफ्ते में शेयर कर देंगे, उसमें पूरा इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये आपको प्रूनिंग करना है, फर्टिलाइजर डालना है, 2 महीने पानी देना है, पानी ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ फर्टिलाइजर यूज हो जाए उस हिसाब से पानी देना है। मेन स्टेप इसका यह है कि उसको आपको तान पे छोड़ना है, तान इतना देना है कि पूरे पत्ते उसके गिर जाए। पूरे पत्ते गिरने के बाद उसको 15-20-25 दिन धूप दिखाना है, जैसे ही काड़ी टिप से सूखने लग जाए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही ये आपका स्टेप आता है उसी समय ये ज्यादातर आपको क्या होता है, ये समय करते करते आपका मंथ आ जाता है अप्रैल। तो अप्रैल मंथ में ये करके आप मई में बाहर पकड़ सकते हैं, लाइट प्रूनिंग करेंगे और उसको फर्टिलाइजर वगैरह जो रिकमेंडेड है डालेंगे तो आप बहुत ही अच्छा बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपने NRCP में किया था जहाँ पे 40% से ज्यादा तेलकट दाग था और इसको हमने इससे कंट्रोल किया और 100% तक डिजीज फ्री हमें प्रोड्यूस पहले साल का ये है और दूसरे साल का भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस मिला। इसको हमने ऑर्गेनिक ब्लॉक था, उस ऑर्गेनिक ब्लॉक में पड़ोस से तेलकट दाग पूरी तरह आ गया था, इसको भी हमने किया तो उसमें 100% ब्लाइट फ्री हमें प्रोड्यूस मिला है और बहुत ही अच्छा इसका पैदावार मिला है। तो इसमें मेन बात यह है कि आपको कम्युनिटी अप्रोच में अगर आप करते हैं इसको तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब आपने ये कर दिया तो निश्चित ही 100% तक आपका डिजीज कंट्रोल आता है। अगर जब आप टान को दे रहे हैं उस समय बारिश नहीं आई, बारिश आने के बाद भी ये काफी 80-90% तक कंट्रोल करेगा, बारिश आ भी गई उन दिनों में तब। तो ये जो है हम लोग चाहेंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट इस शेड्यूल के लिए अगर सपोर्ट करता है तो ऑल ओवर महाराष्ट्र इसका हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसमें कि आपने हमने फार्मर्स 4 फार्मर्स के यहाँ भी कर चुके हैं। इन फार्मर का ये अक्कलकोट के फार्मर है, ये देखिए जब हमने गए थे 75-80% तक इनका नुकसान तेलकट से हुआ था, इससे 0% नुकसान हुआ इनका। आप ये भी देख सकते हैं इनपुट कॉस्ट में भी इनके कमी आई है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा ऑर्गेनिक ज्यादा इस्तेमाल किया था तो इनपुट कॉस्ट भी इनका बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आया और इनका इनकम आप देख सकते हैं पहले क्या थी और अभी बाद में कितनी है। तो इन्होंने अगर 1 लाख रुपया खर्चा किया तो इनको 20 लाख रुपया इस शेड्यूल से मिला है, उससे पहले इनको अगर 1 लाख खर्च करते थे तो लगभग इनको 4 लाख के करीब ही मिलता था। तो कितना फायदा हो सकता है शेड्यूल से आप देखिए। दूसरे फार्मर ये हमने 2020 में ही मार्शी रस एरिया में 3 ऑर्चर्ड लिए थे और वहां पे हमने प्रोग्राम भी किया, तो इनको भी देखिए पहले कितना तेलकट, ये 3-4 साल से प्रॉब्लम था और इनका इतना प्रॉब्लम हो रहा था जब शेड्यूल हमने किया, तो क्योंकि जब हमने ये धूप दिखा रहे थे उस समय लास्ट ईयर आपको पता है बारिश कितनी आई है, उस समय में भी बारिश आई है क्योंकि फरवरी महीने से लेके नवंबर तक बारिश चलती रही है थोड़ी बहुत, तो अप्रैल मई के महीने में भी बारिश रही, उसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत तेलकट आया, 2-5% तक तेलकट गया हो, पर इनको आप देखिए लॉस था जहाँ की इनको लगभग 14 लाख की प्रॉफिट इनको मिला और इनको अगर 1 लाख का खर्चा किया है तो इनको 3 लाख से ऊपर मिला है। इसी तरह से ये दूसरे हैं इनका जो दूसरे फार्मर है मालशी रस के, कौनशी रस के, इनको भी बहुत अच्छा फायदा मिला है और ये बहुत ही खुश है। ये तीनों फार्मर्स और एक ये फार्मर है, इनको भी आप देख सकते हैं कि इनको भी बहुत अच्छा फायदा मिला है और ये तीनों फार्मर्स के हमने वहां पे फिर मालशी रस में शेड्यूल ये किया था और काफी 100-150 लोग आए थे और ये तीनों फार्मर्स आज इस टेक्नोलॉजी को बहुत जगह प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग ने भी कई फार्मर्स को सतारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में लोग ले रहे हैं इसको। हम चाहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के लिए स्टेट डिपार्टमेंट अगर सपोर्ट करता है तो निश्चित ही हम तेलकट दाग को 100% तक इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये इसके साथ आप देख सकते हैं कि न्यूज में काफी बारी छापते हैं कि NRCP कुछ नहीं कर रहा, पर निश्चित ही आप देख रहे हैं जो एरिया प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो इसको देखते हुए कॉन्स्टेंट इंक्रीज होने का कारण एक कारण ये भी है कि NRCP ने जो भी टेक्नोलॉजी किया है वो फार्मर्स के फायदे के लिए किया है और उससे फार्मर्स फायदा उठा रहे हैं, फार्मर्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता है हमें। तो अंत में मैं सिर्फ यही करना कहना चाहूंगी कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नया प्रॉब्लम आता है तो निश्चित ही कुछ समय लगता है उसको पूरी तरह से 100% गारंटी के साथ बोलने के लिए, जैसे शॉर्ट होल बोरर का नया प्रॉब्लम है
फिर भी उसका कंट्रोल वगैरह का काफी काम हुआ है और काफी आगे आगे करने की जरूरत है। तो इन सब के साथ मैं ये भी चाहूंगी नर्सरी सर्टिफिकेशन पे काफी हमें जोर देने की जरूरत है। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की बहुत शिकायतें आती हैं, तो ये हमको बहुत जरूरी करना है और एनआरसीपी को शेड्यूल जो सर्टिफिकेशन कमेटी है उसमें रखने की जरूरत है। फिर कंसल्टेंट्स बहुत सारे घूमते हैं जो गलत चीजें देते हैं, लोगों के साथ जुड़े होते हैं, कंपनीज के साथ जुड़े होते हैं और बहुत ज्यादा खर्चा फार्मर का करा देते हैं, और इतना खर्चा करने के बाद जब फार्मर को प्रोडक्शन नहीं मिलता, किसी भी कारण उसको लॉस हो जाता है, तो निश्चित ही फार्मर के लिए बहुत घाटे की बात होती है। और सेफ केमिकल्स हमें और इंक्रीज करने हैं अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हमारा इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट का जो है बहुत कम होता है, तो इसलिए हमको एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लेबल क्लेम अभी सिर्फ 12 केमिकल्स के हैं, तो हमें लेबल क्लेम बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने एपिडा को प्रोजेक्ट भी दिया है, तो अगर होता है तो हो सकता है कि ये 4-5 साल में लेबल क्लेम बढ़ जाए। दूसरे ये सारे हमारे लिंक्स हैं, हमारी जो अलग अलग चीजों के ऊपर रिकमेंडेशन हैं, एडवाइजरीज हैं, आपको वेबसाइट में डाउनलोड में जाएंगे फार्मर्स कॉर्नर पे, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको मिलेंगी। और ये आपका है डालिम मित्र, हमने शुरू किया है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, इस पे फार्मर डायरेक्टली रजिस्टर होके अपना जो भी उनको क्वेश्चन है फोटोग्राफ भी डाल सकते हैं, क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, और इसमें हम हर 15-20 दिन में एडवाइजरीज भी अपलोड करते हैं, तो वो वहां से वो एडवाइजरी भी देख सकते हैं और इसका फायदा वो पूरी तरह से उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्योत्सना मैम। हाँ जी, धन्यवाद 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 मैडम।